नमस्ते दोस्तों। हनुमान चालीसा संकल्प का मेरा आज 11वां दिन था एंड मैं इतनी खुश हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैंने इस संकल्प को इतने अच्छे से पार पाड़ा है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है। इस संकल्प से अगर मुझे कुछ मिला है तो मैंने एक छोटी सी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे इस महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में हनुमान चालीसा जो है वो कंठस्थ पाठ करना है। ये मैंने ज़िद पकड़ ली थी और मैं इतनी खुश हूँ कि ये जो मेरी ज़िद है, ये जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई और मुझे हनुमान चालीसा जो है वो कंठस्थ पाठ हो चुका है। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर हनुमान जी है, संभाल लेंगे अपने बच्चे को और क्या। तो मैं चाहती थी कि मैं मेरे हनुमान चालीसा संकल्प के आखिरी दिन पर यानी कि 11वें दिन पर आप सब लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ बोलकर सुनाऊं और ताकि आप लोग को भी पता चले कि जो लड़की एक समय पर नास्तिक हुआ करती थी आज वो आस्तिक है और उसने भगवान का हाथ जो पकड़ा है कि अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। चलिए फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ अगर मुझसे त्रुटि हो जाए, छोटी मोटी चूक हो जाए तो भूल चूक माफ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरणहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेयू साज। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, राम चंद्र के काज सवारे। लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समवाए। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। चम कुबेर दिकपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर बानु, लील्यो दाहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताब तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे
तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सत पार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। जय बजरंग बली। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस एक्सपीरियंस को दर्शाने के, इस अनुभव को दर्शाने के। बस हनुमान जी का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे सारे सोशल मीडिया परिवार पर भी बना रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करूँगी। और बस अभी अगला जो तैयारी चल रही है मेरी, वो होगी शिव तांडव स्तोत्रम को कंठस्थ पाठ करने की। वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं, मैं ज़रूर कर लूँगी। मेरे लिए हिंदी और मराठी पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हमेशा से रहा है, और शिव तांडव स्तोत्रम में तो भैया हमें संस्कृत पढ़ना है, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, बट कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। शंकर जी का आशीर्वाद, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो पहले बहुत अधूरा अधूरा सा लगता था, ऐसे लगता था सब साथ होते हुए भी कोई साथ नहीं है। पर जब से भगवान का रास्ता, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा है ना, तब से ऐसे लगता है कि बस इसी की कमी थी, और बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक ऐसा मानना है, हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी, और ऑफकोर्स हमें हमारी इच्छाएं भी जो है वो ज़ाहिर करनी चाहिए भगवान के पास। हम उनके बच्चे हैं तो उनके सामने हमें हमारी इच्छा रखनी चाहिए ज़रूर। लेकिन क्या होता है ना, हम हमारी इच्छा उन्हें कह देते हैं तो वो वहीं तक सीमित रहती है, क्योंकि उनके हमारे लिए प्लान्स बहुत बड़े हैं। क्या पता अगर हम उनसे 5 रुपये मांग रहे हैं, उन्होंने अगर 10,000 रुपये हमारे लिए रखे हो और हम 5 रुपये मांग कर साइड हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 रुपये ही मिलेगा ना। तो इसलिए उन्होंने जो हमारे लिए लिखा है उसी पर भरोसा करते हुए उसी मार्ग पर चलते जाना है। अपनी इच्छाएं ज़रूर जाहिर करनी है, लेकिन आगे भगवान से ये भी कहिएगा, अगर आपने मेरे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोचा है तो वो ही कर दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोग शायद से मेरे चेहरे पर वो तेज, वो ग्लो देख पा रहे होंगे, एक प्राउडनेस का कि हनुमान चालीसा को पाठ करने का शब्द नहीं है यार, शब्द नहीं है कह कहकर मैं इतने शब्द कह गई। चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। और कैसे लगा आप लोग को मेरा हनुमान चालीसा पाठ मेरी मुख से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हो गई हो तो भूल चुक माफ़। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। जय बजरंगबली।